Okay, so in this video we'll be discussing stability of some of the carbocations, carbon ions and all. ठीक है, चलो examples लेंगे, उससे समझेंगे concept. सबसे पहले example लेते हैं, C minus Cl Cl Cl, C minus FFF. ठीक है, अब मैंने आपको बताया है कि कोई भी चीज चार्ज को अगर कम करे तो वो स्टेबिलिटी को बढ़ाती है. अब आपको लग रहा होगा कि फ्लोरीन जो है इसका स्ट्रॉन्ग माइनस आई है, स्ट्रॉन्ग माइनस आई है. माइनस आई लगाना मतलब इलेक्ट्रॉन खींचना, माइनस चार्ज को कम कर रहा है मतलब अच्छा काम कर रहा है, ये स्ट्रॉन्ग माइनस आई है. सीएल क्या है, सीएल स्ट्रॉन्ग माइनस आई तो ठीक है, लेकिन नॉट स्ट्रॉन्गर देन दिस. माइनस आई ठीक ठाक स्ट्रॉन्ग है बट फ्लोरीन जितना स्ट्रॉन्ग नहीं है. तो ज्यादा स्टेबल आपको लगता है कि कौन है, फ्लोरीन वाला सीएफ थ्री माइनस ज्यादा स्टेबल है, बट ऐसा नहीं है क्योंकि यहाँ पे कॉन्जुगेशन काम कर रहा है और रेजोनेंस इज ऑलवेज डोमिनेटिंग. यहाँ पे कॉन्जुगेशन काम कर रहा है, कौन सा कॉन्जुगेशन, नेगेटिव चार्ज सिग्मा और वेकेंट डी ऑर्बिटल. तो वेकेंट डी ऑर्बिटल होने के कारण सीएल में ये नेगेटिव चार्ज डीलोकलाइज्ड है, ये देख यहाँ डीलोकलाइज्ड है, दैट इज द रीजन व्हाई दिस विल बी मोर स्टेबल. अगले एग्जाम्पल पे आते हैं, सी सीएफ थ्री CF3 CF3 minus C CCl3 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 minus. अच्छे एग्जाम्पल्स ही लूंगा जिससे थोड़ा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो. अब देखो यहाँ पे माइनस, अब आप यहाँ पे कॉन्सेप्ट नहीं लगा सकते वेकेंट डी ऑर्बिटल और सिग्मा और अपना नेगेटिव चार्ज के कॉन्जुगेशन का. क्यों, क्योंकि बीच में दो सिग्मा बॉन्ड आ गए. जैसे CCl3 की बात करूँ, C माइनस C Cl, तो भैया ये दो सिग्मा बॉन्ड हो गए, कंजुगेशन ब्रेक हो गया. तो यहाँ पे किसके हिसाब से डिसाइड करेंगे, माइनस आई इफेक्ट, किसके हिसाब से डिसाइड करेंगे, माइनस आई. तो माइनस आई ऑफ सी एफ थ्री इज मच लार्जर देन दी सी सी एल थ्री, तो कौन ज्यादा स्टेबल, दिस इज मोर स्टेबल. अगला क्वेश्चन देखो, सी प्लस सी एच थ्री सी एच थ्री सी एच थ्री, सी प्लस सी डी थ्री सी डी थ्री, आइसोटोप ड्यूटीरियम सी डी थ्री, कौन ज्यादा स्टेबल, लेट अस टॉक अबाउट इट. तो यहाँ पे देखो प्लस आई इफेक्ट के हिसाब से देखिए, तो प्लस आई ऑफ सी डी थ्री इज मोर, और यहाँ प्लस आई की जरूरत है बिकॉज अपने आपको प्लस चार्ज को कम करना है, प्लस आई जो है वो स्टेबिलिटी बढ़ाएगा. लेकिन इससे भी ज्यादा डोमिनेटिंग होता है हाइपर कॉन्जुगेशन. हाइपर कॉन्जुगेशन हमेशा सी एच बॉन्ड के साथ होता है, सी डी बॉन्ड इज स्ट्रॉन्ग इनफ एंड हेंस इट विल नॉट अंडरगो हाइपर कॉन्जुगेशन. तो सी एच बॉन्ड यहाँ पे अगर आप देखो तो नौ अल्फा हाइड्रोजन है, और ये जो है आपके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, हाइपर कॉन्जुगेशन का एक्सटेंट बहुत कम, ना के बराबर मान लो. तो इंडक्टिव इतना सफिशियंट नहीं है कि इसको हाइपर कॉन्जुगेशन के साथ कम्पीट करे और उसको पीछे करके स्टेबिलिटी बढ़ा दे, तो दैट्स वाई दिस इज मोर स्टेबल. इसके बारे में एक स्पेशल बात बताऊंगा, और टर्ब्यूटाइल है, ये टर्ब्यूटाइल कार्बोकेटायन, ये बेंजाइलिक से भी ज्यादा स्टेबल होता है. ठीक है, बात करेंगे उसके बारे में, एक्सक्लूसिव वीडियो लेंगे उसके लिए. बेंजाइलिक से भी ज्यादा स्टेबल होता है, इतनी बात याद रखो. चलो एक आके एग्जांपल और उठाते हैं. सपोज करो ऐसा है, यहाँ पे प्लस चार्ज है, यहाँ पे लगाया मैंने ये सी एच थ्री सी एच थ्री सी एच थ्री, यहाँ पे लिया मैंने ऐसा कुछ, यहीं पे प्लस चार्ज है, यहाँ पे मैंने लगाया सी डी थ्री सी डी थ्री और सी डी थ्री, स्टेबिलिटी चेक करना चाहता हूँ. तो देखो यहाँ हाइपर कॉन्जुगेशन दोनों में सिर्फ यहाँ से ही होगा, एच 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 एच, और यहाँ पे भी सेम यही, यहाँ पे भी हाइपर कॉन्जुगेशन. तो हाइपर कॉन्जुगेशन में चार अल्फा एच यहाँ भी है, चार अल्फा एच यहाँ भी है, मतलब इधर वाला कार्बन हाइपर कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट थोड़ी ना कर रहा है, और ये वाले कार्बन एटम्स हाइपर कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट थोड़ी ना करेंगे, उसमें तो हमें अल्फा कार्बन चाहिए होता है. तो यू विल जस्ट टेक इनटू अकाउंट द प्लस आई इफेक्ट ऑफ दीज ग्रुप्स, एंड वी नो दैट दिस ग्रुप हैज मोर प्लस आई. तो मोर प्लस आई पावर होने के कारण दैट विल स्टेबलाइज इट इन अ बेटर वे, यस दिस इज मोर स्टेबल. अगला एक कैटायन और लेते हैं, CH3C H2, बहुत बेसिक बातें कर रहा हूँ, अच्छे से समझ आ जानी चाहिए आपको. सी एच यहाँ ले लेता हूँ मैं, चलो प्लस चार्ज सी एच टू, यहाँ हटा लो एक
डबल बॉन्ड लेंथ, ठीक है। साथ ही साथ इसका कंपैरिजन करते हैं चलो बेंजाइलिक के साथ, CH2+। तो ये एलाइलिक है, एलाइलिक कैटायन कहते हैं इसको, एंड दिस इज बेंजाइलिक कैटायन। तो डीलोकलाइजेशन दोनों में हो रहा है, इसमें इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी आ रही है, लेकिन ये ज्यादा स्टेबल है, ये ज्यादा स्टेबल है। अब आप इसके पीछे कोई भी रीजन दे सकते हो, आप बोल सकते हो कि इसके मोर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आर पॉसिबल, मोर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आर पॉसिबल, बट असली साइंस ये है कि भाई आप इसको थोड़ा सा याद रखें, ठीक है, कि बेंजाइलिक इज मोर स्टेबल देन एलाइलिक कैटायन। ये HIE एक्सपेरिमेंट से समझ आता है, ये एक्सपेरिमेंट के ऊपर एक वीडियो बना देंगे। हाइड्राइड आयन एफिनिटी देखी जाती है, तो इसकी हाइड्राइड आयन की एफिनिटी ज्यादा होती है, एफिनिटी ज्यादा है इसका मतलब कि जल्दी एच माइनस पकड़ना चाहता है, एंड दैट इज द रीजन वाई इसकी स्टेबिलिटी थोड़ी सी कम है, ज्यादा रिएक्टिव है ऐसा बोल सकते हो। सो दिस बेंजाइलिक कैटायन इज मच मोर स्टेबल देन दिस। और टर्ट ब्यूटाइल मैंने आपको बताया ही है कि वो इससे भी ज्यादा स्टेबल होता है, तो इससे ज्यादा स्टेबल होगा। हालांकि एलाइलिक कैटायन इज ऑल्सो नॉट बैड, ये भी अच्छा कटा है। तो होप सो आपको थोड़ा बहुत समझ आया होगा नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, रेजोनेंस, हाइपर कॉन्जुगेशन, इंडक्टिव, इन सबसे स्टेबिलिटी कैसा दिखते हैं। तो यस, यू कैन सब्सक्राइब माई चैनल फॉर फर्दर वीडियोज, एंड यस प्रेस द नोटिफिकेशन बेल एज वेल सो दैट यू विल बी नोटिफाइड एज सून एज आई पुट द वीडियोज। ओके।